हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज मैं वापस से वही लेक्चर लेके आ गया हूँ, क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो बच्चों, एक्सरसाइज 2.3 हम लोगों ने खत्म कर दी थी और आज इसी लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि 2.3 भी खत्म हो जाए। इसलिए मैंने सारे क्वेश्चंस कर दिए हैं। जिसने वो लेक्चर नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में चले जाओ या फिर डायरेक्ट प्लेलिस्ट सर्च कर लो पुनीत सर की पाठशाला के अंदर। चलिए, तो बिना देरी किए लेक्चर को शुरू करते हैं बच्चों। तो यार देखो, क्या है कि एक्सरसाइज 2.3 में हमें लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। जिसने लीनियर इक्वेशन के पार्ट्स नहीं देखे हैं, कोई बात नहीं, मैं उनको बता देता हूँ कि लीनियर इक्वेशन का मतलब था कि पहले तो इक्वेशन लीनियर, मतलब एक वेरिएबल है उसका लीनियर का मतलब हो गया जिसकी पावर कितनी है, 1, और इक्वल टू के साइड दोनों साइड RHS और LHS तो होना चाहिए, तभी वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहलाती थी। इसको सॉल्व करने का तरीका था ट्रांसपोज मेथड। तो पहला सवाल लेके आ रहा हूं मैं, जिसको हम सॉल्व करेंगे बहुत आसानी से। देखो कैसे, 3x इक्वल टू 2x प्लस 18, इसको सॉल्व करेंगे ट्रांसपोज मेथड से। मैंने आपको बता रखा कि प्लस, अगर माइनस इधर जाएगा तो प्लस, प्लस इधर जाएगा बच्चों तो माइनस, और इनटू इधर जाएगा तो डिवाइड, और डिवाइड अगर इधर जाएगा तो इनटू, और वाइस वर्सा अगर इधर आएगा तो भी चेंज तो होगा ही, साइन चेंज होता है मेरे प्यारे बच्चों। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस 2 के आगे साइन कौन सा है, 2 के आगे साइन है प्लस का। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस 2 के प्लस के साइन को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का, यानी 3x माइनस 2 इक्वल टू, मेरे प्यारे बच्चों, दुलारे बच्चों, 2x माइनस का इक्वल टू 18, एक्स, 3x माइनस 2 एक्स इक्वल टू, एक्स इक्वल टू 18, मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आया कि नहीं आया, बहुत बढ़िया आ गया होगा, सिंपल सवाल था। बात करते हैं सेकंड सवाल की। सेकंड सवाल हम ले लेते हैं, 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5, बहुत बढ़िया सर, मजा आएगा। देखो 3t माइनस का अब क्या होता है, हमें सबसे पहले सवाल को करना समझना है क्या करना है। हमारा मेन मुद्दा यह है कि हम पूरे वेरिएबल्स को एक साइड लिया, जो भी वेरिएबल हमारे पास है, जैसे x वेरिएबल था तो x x वाली टर्म एक साइड कर ली और बाकी कांस्टेंट वाली एक साइड कर ली, बस यही हमें करना है। तो हम देखो 5t को एक साइड रखेंगे, 3t को इधर लेके आएंगे और माइनस 3 को उधर ले जाएंगे। तो देखो 5t और 3 प्लस का इधर आया माइनस का, बहुत शानदार, माइनस 5 यहीं का वहीं था और माइनस 3 इधर आएगा तो प्लस 3, बहुत शानदार। 5t में से 3t जाएगा तो बचेगा 2t इज इक्वल टू, आंसर आएगा प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 2, और प्लस का साइन या माइनस का साइन, सर माइनस का साइन क्योंकि ग्रेटर नंबर साइन क्या है, माइनस, टी इज इक्वल टू माइनस 2, अब ये 2 इंटू में इधर जाएगा तो डिवाइड, 2 वन जो 2, आंसर आएगा माइनस ऑफ 1, टी की वैल्यू माइनस 1, बहुत खूबसूरत, मजा आ गया। अगला सवाल ठीक है, यहां कर लेते हैं, यहां करें क्या कि चलो ऊपर ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो थर्ड सवाल यहां ले लेते हैं, बहुत शानदार, 5x प्लस 9 इक्वल टू 5 प्लस 3x, 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 3x, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सही लिखा है ना मैंने, ठीक है, दिक्कत वाली बात नहीं है। 5x यहीं रहने दो, 3 को इधर ले आओ, तो 5x माइनस 3x इक्वल टू 5 माइनस 9, 5x माइनस 3x कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 2x इक्वल टू माइनस ऑफ 4। देखो कैसे प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 जाएगा तो 2x, और 5 प्लस माइनस माइनस, आंसर कितना आएगा, 9 माइनस 5 4, साइन का आएगा माइनस का, इसलिए ग्रेटर नंबर साइन का साइन आ गया। एक्स इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 2 वन जो 2 2 2 जो 4, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस ऑफ 2, एंड दिस इज योर आंसर। हमारा मेन मुद्दा यही है सॉल्व करना, मतलब टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स इन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, बहुत शानदार। फोर्थ सवाल, बहुत मजेदार सवाल है, आप लोगों को मजा आ जाएगा। 4z प्लस 3 बहुत ईजी भी है, इज इक्वल टू 6 प्लस 2z। देखो अब क्या है, z को एक तरफ कर लो, 2z इधर ले आओ और 3 को उधर ले जाओ, तो 4z माइनस ऑफ 2z, क्योंकि प्लस का इधर आएगा तो माइनस का और प्लस का इधर गया तो माइनस का, 6 माइनस 3, 4 में से 2 तो बचेगा 2, आंसर आएगा z इज इक्वल टू 3 माइनस 6 माइनस 3 कितना आएगा 3, और z इज इक्वल टू 3/2, बहुत बढ़िया। आ गया समझ में, आया समझ में, बिल्कुल समझ में आया होगा। फिफ्थ क्वेश्चन कहाँ करें सर, फिफ्थ क्वेश्चन भी यहाँ कर दो, ऊपर नीचे कर, ठीक है फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। 2x माइनस 1 इक्वल टू 14 माइनस x, 2x माइनस 1 इक्वल टू 14 माइनस x, क्या करना है, x वाली टर्म एक साइड, कांस्टेंट टर्म एक साइड जो नंबर वाली है, तो 2x माइनस का इधर आएगा तो प्लस, 14 यहीं का यहीं था, माइनस 1 इधर गया तो प्लस 1,
2+1 3, साथ में लिख दो एक्स इक्वल टू 15। अब इसकी बारीकी बताऊं, एक बेसिक बता दूं, मेरा अंदर से लगता है ना, देखो 2x है प्लस x है, इसको सॉल्व करना 3x कैसे आया वो सुनो, x कॉमन लो तो कितना बचा 2+1 3 3 × 2x 3x, ऐसे आता है बच्चों, कॉमन लेना पड़ता है, लेकिन हम डायरेक्ट लिख देते हैं उसको, ऐसे डरने की बात नहीं है, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो x इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 3, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, x इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चों x की वैल्यू कितनी आई 5। ठीक है, इतना समझ में आया। और हाँ, जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं, नया अकाउंट है और आप लोगों के प्यार से 7000 कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, उस अकाउंट को फॉलो कर लो, उस पे मैं अब अपडेटेड रहूँगा। और अगला डिस्क्रिप्शन में है लिंक, नया अकाउंट है, जो पुराना था एक्चुअली मैंने आपको अभी दिया है। ठीक है, चलो ठीक है, अब देखते हैं 5 के बाद 6 सवाल है। 8x + 4 = मेरे प्यारे बच्चों 3 × x − 1 और साथ में आ जाएगा +7। ठीक है, तो देखो क्या करना है इसमें, इसमें भी हमें यही करना है कि बेटा पहले तो xx वाली एक तरफ कर लो। अब ऐसे नहीं कर सकते कि इस पूरी को इधर ले आओ, ला सकते हैं लेकिन हम पहले मल्टीप्लाई कर लें, ब्रैकेट ओपन, बॉर्ड मास और बेसिक बताऊंगा। ठीक है, 8x + 4 = 3 × x − 3 × 3 + 7, बहुत शानदार, मजा आ गया सर, 3x इधर आएगा 4 इधर जाएगा, तो 8x 3 प्लस का था तो माइनस का हो गया, 4 प्लस का था माइनस, माइनस 3 माइनस 4 प्लस 7, सर जीरो तो नहीं आ रहा इसका आंसर, मुझे ऐसा लग रहा है जीरो आ रहा है, 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा सर 5 का, वो भी ग्रेटर नंबर साइन है प्लस, तो प्लस लगा, तो बहुत शानदार मजा आ गया, माइनस माइनस प्लस 3 माइनस सॉरी 3 प्लस 4 7 का माइनस का माइनस 7 प्लस 7 0, एक्स इक्वल टू 0 / 5 = 0 आया, बहुत बढ़िया। ओके, लिख लो इतना। ओके बच्चों, आई होप तुम लोगों ने यहां से लिख लिया होगा, ये मिटा दूं क्या, पूरा मिटा दूं, चलो ठीक है इतना मिटा देता हूं, फिर तुम लिखते रहना, ठीक है बस अब खत्म ही हो जाएगा, आया समझ में पूरा, बहुत बढ़िया, इजी है यार, इजी है, ऐसे डरने वाली बात थोड़ी नहीं है यार। चलिए कौन सा हो गया, 6th 7th कर लेते हैं बच्चों, 7th सवाल ले लेते हैं, 7th x = 4/5 × x + 10 बच्चों। अब देखो 5 यहाँ डिवाइड में पूरे के, जब यहाँ 4 5 डिवाइड में है तो क्या होगा, 5 इस पे चले जाएगा तो कितना हो जाएगा 5x = 4 × x + 10, 5x = 4 का मल्टीप्लाई इधर 4x + 4 × 10 = 40, बहुत बढ़िया, अब इजी हो गया, 5x − 4x = 40, एंड 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा x, और x इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चों 40 आ जाएगा। हमें करना है क्वेश्चन नंबर 8, बहुत शानदार, 8 की वैल्यू कितनी, 8 क्वेश्चन क्या, 2x / 3 + 1 = 7x / 15 + 3। अब बच्चों आपको आना चाहिए यहाँ एलसीएम लेना, ठीक है, एलसीएम की कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी होती हैं, अगर आप चाहोगे तो मैं बता दूंगा, कमेंट बॉक्स में लिख देना, लेकिन मैं शॉर्ट ट्रिक में कभी बिलीव नहीं करता, आपको तरीके से समझाता हूँ कि क्या होता है। देखो कैसे, अब हमें पहले एक्स एक्स वाले ढूंढने हैं, तो एक्स वाले भैया ये हैं और एक एक्स वाले भैया ये हैं, तो इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, तो 2x / 3 ये आएगा प्लस का, इधर आ जाएगा -/15, 7x / 15 = 3 और +1 इधर आएगा तो -1, बहुत शानदार। अब देखो बच्चों एलसीएम लेना है, एलसीएम, तो एलसीएम लेने का तरीका क्या है वो बताता हूँ, सबसे पहले तो यहाँ ले लो 3, जो बिल्कुल भी बिल्कुल डल हैं वो, उनको ये एलसीएम लेना भी नहीं आता उनके लिए कर रहा हूँ, जिनको आता है अच्छी बात है डायरेक्ट करो, तो 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, लेकिन एक बात होता तो कोई भी डल नहीं होता, हम अपने आप को डर डर के डल बना लेते हैं, डल नहीं होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए सर, हाँ डर होगा तो दिक्कत होगी। देखो 5 × 1 = 5, आंसर कितना आ गया 1, 1, 3 × 5 = एलसीएम आ गया मेरे प्यारे बच्चों 15। अब देखो सबसे पहले 3 को डिवाइड करेंगे 15 से, तो 15 / 3, 5 × 3 = 15, जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x से, तो जो आंसर आया उसको मल्टीप्लाई किया 2x से, 5 × 2 = 10 × x, आंसर आएगा 10 × x, बीच में क्या है माइनस, तो लिख दो माइनस, 15 को 15 से डिवाइड, जो एलसीएम डिवाइडेड बाय नंबर, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल, बचा 1, 1 का मल्टीप्लाई 7x से, किसी को भी मल्टीप्लाई कर दो वही आंसर आता है 3 - 1 = 2।
10x-7x कितना आएगा 3x, और 15 ऊपर चले जाएगा डिवाइड में था तो 15 2 जा 30, एक्स इक्वल टू 30 डिवाइड बाय 3 नीचे आएगा, 3 1 जा 3 3 10 जा 30, एक्स इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चों 10, एक्स इक्वल टू 10। आया समझ में? कोई डर तो नहीं पाते? अब देखो क्या होता है, शॉर्ट ट्रिक भी बता देते हैं जो बच्चे जल्दी करना चाहते हैं, एलसीएम लेना वगैरह आता है लेकिन टाइम लग रहा है। तो देखो बच्चों यहां पर क्या करना है, आपको पहले दोनों को नंबर को चेक करना है, कितने का भी एलसीएम निकाल सकते हो, यहाँ ज्यादा बड़ा नहीं खेल सकते अपन, बस अपन यही करेंगे कि जैसे मान लो 3 का एलसीएम निकालना है, 15 का एलसीएम निकालना है और 4 का एलसीएम निकालना है। क्या करना है, तीन लोगों का एलसीएम निकालना है, ठीक है। अब तीन लोगों का एलसीएम निकालने के लिए आपको सबसे बड़ा नंबर ढूंढना पड़ेगा, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 15। अब 15 का टेबल पढ़ो, 15 1 जा 15, 3 से डिविजिबल, यस सर, 4 से डिविजिबल, नो सर, 15 2 जा 30, तो 15 2 जा कितना हो गया 30, 33 से डिविजिबल, 15 से डिविजिबल लेकिन 4 से अभी भी डिविजिबल नहीं, 15 3 जा 45, 4 से अभी भी डिविजिबल नहीं, 15 4 जा 60, 4 से भी डिविजिबल, 3 से भी डिविजिबल और 15 से भी डिविजिबल। ऐसे हमने अगर 3 और 4 का एलसीएम निकाला होगा तो क्या होता, 15 और 3 का एलसीएम, 15 1 जा 15, तो 3 से डिविजिबल, यस, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 15। बस ऐसे ही करना है, ठीक है बच्चों। अगला सवाल ले लें, बहुत बढ़िया। अगला सवाल है नाइन्थ सवाल है 2y+5/3=26/3-y। अब वही हमें करना है, y एक तरफ, बाकी तरफ, बाकी सब एक तरफ, तो 2y इधर आएगा प्लस का, y=26/3 यहीं का यहीं था, और 5/3 प्लस का इधर गया तो माइनस का 5/3। बहुत शानदार सर, 2y+y 3y, वो दिमाग में आ रहा होगा, कॉमन लेना। एलसीएम कितना आएगा, दोनों का एलसीएम कितना आएगा 3, 3 और 3 का एलसीएम 3 आएगा, 3 से 3 डिवाइड बचा 1, 1 का मल्टीप्लाई 26, ऊपर माइनस 5, वैसे के वैसे रख दो। अब कुछ बोलते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इन दोनों को क्रॉस कर दो, वो बिल्कुल मत मानना, जो तरीका बताया वैसे तरीके से खेलना। 3y=26-5 कितना होगा मेरे प्यारे बच्चे 21 डिवाइडेड बाय 3, y=21/3 × 3 1 जा 3 3 7 जा 21 y=7/3 मेरे प्यारे दुलारे बच्चों, आया आपको समझ में कि नहीं? आ गया होगा, है ना। लास्ट क्वेश्चन ले लेंगे, इसके बाद इस एक्सरसाइज को भी फिनिश कर देंगे सम्मानपूर्वक। चलो तो 3m = 5m - 3m, अरे सर क्वेश्चन नंबर तो डाल दो, ठीक है सर क्वेश्चन नंबर डाल देते हैं 10। 3m = 5m - 8/5, तो क्या करेंगे हम, -8/5 इधर आएगा, 3m को इधर ले जाओ, तो माइनस का हो गया प्लस, 5m तो यहीं था और प्लस का इधर आ गया तो -3m। बहुत शानदार, अब कुछ मत करो। तो देखो ऐसा है कि 8/5 = 5m - 3m, तो 8/5, 5 में से 3m जाएगा, तो 5m में से 3m जाएगा तो कितना बचेगा सर, 2m, खत्म, 2m और 2 को नीचे ले आओ, तो m = 8/5 × 2 1 जा 2 4 जा 8, m = 4/5 मेरे प्यारे दुलारे बच्चों। आया समझ में? तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड अफेक्शन। सब बच्चे कमेंट्स भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है। और एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर अभी तक मैंने, एक हफ्ता हो गया आपने मेंसुरेशन चालू नहीं किया, तो मैं उसको एक जवाब देना चाहूँगा बच्चों। देखो क्या होता है, मैं एक अकेली जान, मेरे को बहुत सारी क्लासेस लेनी पड़ती है, तो मेरे पास जितना भी टाइम निकलता है, मैं, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं रात को 3-3 बजे तक भी शूट करके वीडियो डालता हूँ। तो प्लीज़ बच्चों थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, थोड़ा इंतज़ार, मैं जल्दी जल्दी लेक्चर लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ, और उस बच्चे के लिए मेंसुरेशन जल्दी चालू होगा, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। और पैरेलली 2-3 क्लासेस ले ही रहा हूँ, देखो आप स्क्वायर रूट भी चालू कर दिया, ठीक है, तो प्लीज़ थोड़ा सा इंतज़ार कर लो। और हाँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, देखते रहो पुनीत सर की पाठशाला। जय हिंद।